न्यू भारत मिशन भी आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर एकजुट सदस्य हो रहे हैं। इसकी जानकारी संवाददाता सम्मेलन में न्यू भारत मिशन के अध्यक्ष सुशील कुमार ने दी। न्यू भारत मिशन की स्थापना बिहार वासियों के अधिकार को लेकर किया गया है। इस संदर्भ में न्यू भारत मिशन के अध्यक्ष सुशील कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में न्यू भारत मिशन अपनी भागीदारी अपनाते हुए तैयारी में जुट चुकी है। मिशन एक पार्टी है जो इस मान्यता पर बिहार में बनी हुई है कि सत्ता पक्ष से लोग बहुत ही नाराज हैं, और जो अभी मुख्य दावा कर रहा है महागठबंधन, तो महागठबंधन का पूरा जो चरित्र है वह अगर बिहार में विपक्ष के रूप में बाहर आएगा तो इसकी पूरी आशंका है कि सत्ता पक्ष से जो लोग असंतुष्ट हैं वो लोग वापस सत्ता पक्ष में ही वोट देंगे। तो बिहार में अगर विकल्प देना है तो उसके लिए जो संघर्षशील शक्तियाँ हैं उनको आना पड़ेगा, क्योंकि ये आया राम और गया राम का खेल या पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं। अब बात इतनी है कि कोई भीतर से पुल बना है, उस खेल को ख़त्म करना होगा और विकल्प का निर्माण करने के लिए हम लोग बढ़े हैं। उसमें आरा जिला में जो संघर्षशील शक्तियां हैं उनका यहां समावेश संपन्न हुआ आज दोपहर में, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यू भारत मिशन के स्थापना के बाद आरा का ये है। आरा में सभी 7 सीट पर इसके उम्मीदवार लड़ेंगे। यह पहले इस पूरे अभियान का नाम 24 मई 2019 से था मिशन बिहार 243। मिशन बिहार 243 में 243 में से 100 कम से कम महिला उम्मीदवार होंगी। इस हिसाब से हम लोगों ने वर्ष भर काम किया और सब जगह स्त्री पुरुषों के समावेश से एक विकल्प निर्माण का काम चल रहा है। मेरा नाम है अशोक प्रियदर्शी, मैं महासचिव हूँ, राष्ट्रीय महासचिव